हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमानत, आप सभी स्वागत है हमारे डे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इस तरह का रामनवमी का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इस तरह का पोस्टर बनाया और पूरा फुल HTML इस तरह का पोस्टर डिज़ाइन किया है, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से इस तरह का पोस्टर बनाया। तो आप भी इस तरह का पोस्टर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप भी अपने चैनल को प्रमोशन कराना चाहते हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो में कमेंट करेंगे तो जितने लोग भी कमेंट करेंगे उनमें से आप सभी में से 5 या 10 चैनल को मैं एक साथ में प्रमोशन करूंगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा, कोई कुछ भी आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। मैं उसमें से कोई भी मतलब 10 10 चैनल लूंगा जिसका मैं यहाँ पे कमेंट्री पोस्ट करूंगा मैं, क्योंकि हर दिन पोस्ट करते जा रहा हूँ आप सबका, मतलब जो नया नया चैनल रहेगा उन सबका चैनल को मैं कमेंट्री पोस्ट करता हूँ, ताकि उन लोगों को भी सब्सक्राइबर बढ़े। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग का भी मतलब चैनल का प्रमोशन करूंगा। तो दोस्तों, इस तरह का पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक जी फाइल का लिंक मिल जाएगा, उस जी फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। जब जी फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको PNG और बैकग्राउंड दोनों आपको मिल जाएगा, PNG और बैकग्राउंड दोनों मिल जाएगा। तो आपको क्या करेंगे, उसको दोनों को एक साथ मतलब आपको इस तरह से किस तरह से पिक्सल में ऐड करेंगे सब कुछ मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, और इसका PLV फाइल भी आपको मिल जाएगा। तो PLV फाइल भी पिक्सल में ऐड कर सकते, और नहीं आप ऐड कर पाए तो आप PNG और बैकग्राउंड जो है उसको आप एक साथ जोड़ के अपना पोस्टर बना सकते हैं, और उसका जो पासवर्ड रहेगा आपको इसी वीडियो में कहीं भी एक जगह दिख जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो आपको करने के आपको यहाँ पे जब उस फाइल को अनजिप कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सबसे पहले उसमें से आपको बैकग्राउंड जो रहेगा वो बैकग्राउंड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, पिक्सल में आ जाता हूँ, ये वाला बैकग्राउंड है तो इस बैकग्राउंड को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, अब क्या क्या करना है, यहाँ पे आपको आपका जो भी फोटो इसमें लगाना चाहते हैं उस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करने लगा। तो हम यहाँ से पहले न्यू टेस्ट को डिलीट कर देते हैं, न्यू टेस्ट को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे अपने फोटो को लगा लेना है, जो फोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्लिक करते हैं प्लस पे, फ्रॉम गैलरी में जाते हैं, और ये वाला फोटो है तो इस फोटो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इसका पूरा साइज यहाँ पे फिट कर लेते हैं। फिर यहाँ टिक पे क्लिक कर देते हैं, फिर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और यहाँ से ये वाला PNG हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसको भी यहाँ पे पूरा फुल साइज कर लेते हैं इस तरह से। फिर टिक पे क्लिक कर देंगे, फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और एक PNG जो है यहाँ पे ये वाला PNG है, टेक्स PNG, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे इस तरह से, क्लिक करके ऐड कर लेंगे। इसको पिल फिल ऐड करते तो पूरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाता है। अब एक एक करेंगे तो इस तरह से करना है आपको। उसके बाद फ्रॉम गैलरी में फिर से जाएंगे और ये वाला जो PNG है इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, फिर इसको पे क्लिक कर देंगे, फिर इसको यहाँ पे पूरा फुल साइज कर लेंगे। तो इस तरह से सभी PNG को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ऐड करने में दोस्तों, यहाँ पे नीचे अपना नाम लिखना है तो आप नाम अभी अपना लिख सकते हैं हिंदी या चाहे इंग्लिश में। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिख लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ से ओक डाउन कर देंगे और यहाँ ओके पे क्लिक कर देते हैं, फिर इस नाम को हम यहाँ पे नीचे ला लेते हैं, साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहाँ टिक पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे फॉन्ट वाला ऑप्शन में आ जाएंगे, और यहाँ से जो फॉन्ट आपको अच्छा लगे वो फॉन्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ से कलर जो है कलर को चेंज कर लेंगे। तो कलर यहाँ पे हम व्हाइट या येलो कलर रख देंगे इस तरह से, फिर यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे नीचे अगर अपना मोबाइल नंबर या अपना कुछ भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट जो भी अपना वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे टेक्स्ट में कर देंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और निक टेक्स्ट पे क्लिक करके आपको फिर से यहाँ पे क्या करना है, एडिट पे क्लिक कर देना है। एडिट पे क्लिक करने में दोस्तों, आपको यहाँ पे जो
कुछ भी यहाँ पे लिखना है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, YouTube माना, और यहाँ डाउन पे क्लिक कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे, और इसका जो साइज रहेगा यहाँ पे थोड़ा छोटा कर लेंगे, और इसको इस तरह से कर लेंगे हम यहाँ पे, और एडजस्ट कर लेंगे और साइज को छोटा कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, और फिर इसके पीछे हम यहाँ पे बैकग्राउंड लगा देंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे और इसको इनेबल कर देंगे, और यहाँ पे 10 पॉइंट तक रखेंगे इसको, और यहाँ से इसको जितना चाहे आप उतना बढ़ा देना है, इस तरह से पीछे चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे रेडियस में क्लिक करते हैं, यहाँ पे तो रेडियस थोड़ा बढ़ा लेना है, और यहाँ से इसका जो कलर रहेगा वो कलर आप यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज करें। इसको ब्लैक कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे क्या करें, फ्रंट का जो कलर रहेगा वो फ्रंट का कलर हम यहाँ पे चेंज करके यहाँ पे व्हाइट कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह से व्हाइट कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा नाम यहाँ पे लिखा चुका है। अब आपको इसको सेव करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और सेव एज इमेज भी क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे क्या करना है, सेव करने से पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अल्ट्रा पे क्लिक कर लेना। अल्ट्रा पे क्लिक करके आपको सेव टू गैलरी में इसको सेव कर लेना है। ये सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसको पूरा HD में करना चाहते हैं तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो में पूरा बताया हूँ किस तरह किसी भी पोस्टर को या मतलब कोई भी फोटो हो उसको HD में कैसे बना पाएंगे, तो उस वीडियो में पूरा बताया हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में दोस्तों बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसे वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।